पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे और आपका जन्मदिन है। सच क्यों तो मतलब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतनी खुश हूँ और हंसते रहने का मन कर रहा है, खुश रहने का मन कर रहा है। ऐसा दिल कर रहा है कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, और भी आज के दिन 7 मैं शूट पर थी और अचानक सर का कॉल आया कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी होने वाली है। मेरा यही था, यही मूड बना कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बर्थडे पार्टी किधर है। बस है तो है, हमारा बर्थडे है और हमारी कंपनी की तरफ से आपको ये तोहफा है कि यहाँ पे ये जो बॉम्बे बार है ये बुक किया है इन्होंने, और मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिल रही है। मेरे सारे लोग जितने भी हैं, मेरे करीबी जानने वाले जो मुझे प्यार करते हैं, वो सब यहाँ पे, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और कि मैं बचपन के ऐसी यादें जो बर्थडे मनाया था, यादें छे थे, वाह वाह क्या जिंदगी में बहुत खुशी है। जैसे आज बचपन में तो हम मॉम के हाथ से केक खा लेते थे और स्कूल के जो हमारे फ्रेंड्स थे वो आ जाते थे और हम कहीं घूमने चले जाते थे, वही यादें हमारी अभी तक दिलों में हैं। सेट पे कभी ऐसा हुआ कि आपकी बर्थडे हो गए सेट पे केक ले आए? अभी तक तो मौका नहीं आया। और इससे पहले कभी मैं कभी नहीं शूटिंग पे कभी भी मेरा बर्थडे आया कि नहीं, या तो शूटिंग से पहले बर्थडे हो गया था या फिर शूटिंग के बाद बर्थडे आया। अभी आपने कौन सी फिल्म प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आई है? मैंने जस्ट अभी नागपाल सर की फिल्म की है, जिस फिल्म का नाम है लगन पत्रिका। अच्छा, हेलो, बहुत ही अच्छा नाम है भोजपुरी में, इतनी मतलब इतना अच्छा नाम हो सकता है लगन पत्रिका, तो वो लगन और शादी से ही सब रिलेटेड है। और अभी कौन कौन से कमिंग अप प्रोजेक्ट होने वाले आपके? और सर की म्यूजिक कंपनी है पॉपुलर म्यूजिक की, तो दीपक भंडारी जी के साथ अभी एक सॉन्ग करके आई, दो सॉन्ग किया मैंने उनके साथ, अभी बड़े भी दी है आगे अंकुश राजा जी, काफ़ी जो भोजपुरी में चल रहे हैं वो सब करो साइन करने वाले हैं। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज दिन का? थैंक्स, आप आए यहाँ पे, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो इतना बड़ा थोड़ा तेज बोल ऐसा मौका आ गया कि छोटे के बाद का बढ़ने का पता लगा, मैंने कहा काम करने प्लान कर देते हैं, क्योंकि इनकी म्यूजिक कंपनी की मैं पहली मॉडल हूँ और मेरा बर्थडे आ गया, इसलिए मनाना था सर को। नेक्स्ट ईयर का पता नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी मनाते रहेंगे सर। आप मैं तो चाहूँगी हर साल मनाए। सर आपकी कंपनी है यूई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी प्रोडक्शन है, उसमें मैंने भोजपुरी मूवी के लिए काम किया है, वो बैनर कैनन है सर। और कौन सी कौन सी पिक्चर आने वाली है आपके बैनर तले सर? और इसके अलावा कुछ कौन कौन से स्टार कास्ट को लेकर काम करेंगे? और हेलो, नहीं अभी वाइट कर रहा हूँ। बहुत विकी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज पलक जी का बर्थडे है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पलक जी का बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और इनका अच्छा दिन।
इसी तरह हम अच्छे अच्छे पार्टी करते रहे और पॉपुलर म्यूजिक से वो आने वाले हैं जो हम लोग देखेंगे और उनके ओनर हैं सर। और पॉपुलर म्यूजिक जो है हर वो ऐसा एक्टर आएगा जो पॉपुलर होते हैं और होने के लिए इच्छा रहते हैं हमेशा। तो यही कहूँगा कि पॉपुलर म्यूजिक को हाईलाइटेड कीजिए आप लोग और इससे ज़्यादा से ज़्यादा गाना बने, वीडियो बने, फिल्म आए और ये मैं शुभकामना करता हूँ हमेशा। और हाल ही में आपने सहारा और अभी जस्ट सहारा में जो आपने किया और शो हुई थी पाल जी का, और खुशियों के साथ मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बर्थडे की पलक तिवारी जी को, जो आज कोरोना के इतने परेशानियों के बाद एक खुशी का थोड़ा सा समय निकाल के हम सबको इनवाइट करा और हमें इन खुशियों में शामिल करा। मैं भगवान की बहुत सारी जो खुशियाँ हैं मैं इनको देना चाहूँगा और भगवान से ये कामना करना चाहूँगा ये इनका बर्थडे एक खुशियों की लहर लेके आए और इस इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं और जो इनका आने वाला मूवी है और जो इनका आने वाला एल्बम है इसमें इनको इतनी कामयाबी मिले कि हम इन्हें एक जगह देख सकें। और इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है कि सर ने एक इतना बड़ा इनविटेशन हमको दिया, इतनी बड़ी पार्टी दी जो आज हम आपके सामने हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान इस कोरोना टाइम को बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करे और हमारा जो इंडस्ट्री में काम रुका हुआ है वो हमें करने को मिले और नए नए जो लोग आने को बेताब हैं, जो नए नए लोग अभी रुके हुए हैं सर उनको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चांस देने वाले हैं। तो मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि सर ने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी मुझे इज्जत दी और बहुत बहुत धन्यवाद। और पलक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद इनके बर्थडे पर। थैंक यू सर। बहुत तेज बोलिए सर, आवाज़ नहीं आ रही नटपति कैमरे को देखिए, कैमरे को देखिए। चलिए सर, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज पलक जी का बर्थडे है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल को सेंटर सेंटर पलक जी को विश। कैमरा देखिए, कैमरा कैमरा सेंटर शुभकामनाएं हमारे नागपाल सर और हमारे पलक तिवारी जी को उनका आज बर्थडे है जिसके लोकेशन पे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और नागपाल सर ने हम सभी को एक हैप्पी मोमेंट एंजॉय करने का चांस दिया। तो सर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सर के साथ, जो सर के आने वाले जो भी प्रोजेक्ट है वो धमाका कर जाए भोजपुरी में और नए टैलेंट को चांस मिले। बहुत और बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ पतंग जी का जन्मदिन मनाने में आया, मुझे इन्विटेशन दिया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही लोग करो, बहुत सारी फिल्में करो, बड़ी बड़ी फिल्में करो, बड़ी इवेंट बनाओ, ऐसे आप फिल्म की बहुत अच्छी पतंग जी। इनके साथ मैंने अपना दो तीन फिल्में किया है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, मैं जाऊँगा ऐसे ही फिल्म करते रहे, अभी शूटिंग से ही आई है माशाल्लाह। आज ये फ्लाइट था बॉम्बे आई वहाँ जी बर्थडे मना, तो मैं बर्थडे के लिए जिसके लिए कॉल कर रहा था तो ये फ्लाइट में थी नहीं लगा, फिर आई तो शाम को लिए एक छोटा सा पार्टी है, मैं बोला डेफिनेटली मैं आऊँगा। मैं यहाँ पे आया मेरा तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए, मैं भी आया। तो बाकी क्या बोलूँ, बहुत सारी फिल्में इनकी आ रही हैं और साथ में ऐसे काम करते हैं। बर्थडे पार्टी आप लोगों के बिना हो ही नहीं सकती थी, जरूरी था मेरे दोस्त लोग आए हैं। बाकी सोनिया मिश्रा जी हैं। मैडम आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगी आज? बहुत सारी फिल्में करें, अभी हम लोग साथ में लगन पत्रिका कर रहे थे फिल्म, अभी दो तीन दिन पहले हम लोग साथ में ही थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले भी हमने साथ में काम किया, बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है और बहुत सारी फिल्में बोले। तो मैं चाहूँगी भगवान करे बहुत सारी फिल्में करें और अपना मतलब बहुत सारी फिल्में करें अपना बहुत बड़ा शुक्रिया। अभी मैं बता दूँ, मैं थैंक यू सो मच। नहीं 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 सुन लीजिए, अभी मलक जी ने एक फिल्म करके आए लगन पत्रिका, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, आगे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक फिल्म
खूबसूरत फिल्म बनी है। हाँ बहुत फिल्म बनी है जिसमें सोनिया जी भी है, मैं नहीं हूँ उसमें, मेरा डेट नहीं था। तो वो फिल्म के लिए शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे आगे आगे फिल्म करते रहे, सबको मेरा शुक्रिया, नमस्ते भाई आप लोग को। पालक जी का मेरा बर्थडे है, एंड हमने अपने करियर की शुरुआत भी साथ में की थी, बट नाउ शी इज सो लकी और कंटिन्यू काम में बनी हुई है, और मेरी तरफ से इसके लिए आगे के लिए भी शी इज कंटिन्यू इन द इंडस्ट्री, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। चलिए नाइस नाइस, चलिए हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हम इधर देख के वहां का जुड़े रहे हैं, और इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, नाम रोशन करे, काम करती रहे, हैप्पी बर्थडे। चलिए बहुत बढ़िया, मैं बहुत पहले से इसके साथ काम की हूं, इसके माँ का रूप, तो मेरा तो हर माँ अपनी बेटी के लिए बहुत बहुत कुछ चाहती है, हर माँ यही चाहती है कि मेरी बेटी जो भी है वो इतने आगे जाए कि एक बार लोग सोचे बात करते हुए इनका ऑटोग्राफ लें तो मुझे खुशी है, और ये बहुत ऐसे आगे काम करती है और अपना नाम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ में हम लोग हैप्पी बर्थडे, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं तो ऐसे करूँगा। क्योंकि आज हमारी एंजल पलक का जन्मदिन है, क्या बात है, मैं पलक को ढेर सारी विशेष देती हूँ, पलक हमारी हस्ती मुस्कुराती है, चार्मिंग बनी रहे, और उसे ढेर सारा काम मिली और बिल्कुल काम कर रहे हैं, उसका नाम बहुत बढ़िया, और सर ने बर्थडे पार्टी रखी है जी जी, बहुत खुशी है, मेरे गार्जियन जैसे आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मुझे इनसे शूटिंग पर मिला, और शूटिंग से पहले से मैं इनको जानती हूँ, मेरी फिल्म शूट होने से पहले से 1.5 साल से हम लोग एक घर आना जाना है, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं, फैमिली मेम्बर है मेरे गार्जियन है, और उन्होंने पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, और मैं बहुत कैमरे तक को कलर कर बहुत लकी कर रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक कंपनी भी है, तो जस्ट देखिए आप फिल्म के बाद साउंड आ रहा ना, बोली बोली बोली, मैं बहुत लकी गर्ल हूँ कि सर ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट बर्थडे ऐसा है जो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, और सर की फिल्म भी करके आई मैं, म्यूजिक कंपनी का सॉन्ग भी किया मैंने जिसमें दीपक दिलदार जी थे सॉन्ग में, और फिल्म में ही हूँ विमल पांडे की, मनी भट्टाचार्य की, आनंद सिंह की डायरेक्टर की हूँ, अच्छी सेवा की, तो देखिए फिल्म कम्प्लीट होते ही म्यूजिक कंपनी में जैसे फिल्म की शूटिंग खत्म हुई नेक्स्ट डे ही हमारी शूटिंग थी पटना में, और वो शूटिंग कंप्लीट करके आज मैं आई हूँ और आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती मेरी लाइफ में, बहुत ही खुश हूँ मैं, थैंक यू सो मच सर, मेरा बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया इतना बढ़िया, उसके बाद अगर सबसे पहला जब कोई मॉडल आई है तो सबसे पहले पलक है, और उसकी कम से कम 8 के 10 गाने कैसे हैं जो लोगों ने करने हैं, उसके हिसाब से शेड्यूल वगैरह सारा है, लग्न पत्री बात करो, किस तरह की फिल्म है, क्या फिल्म की बात करें, किस तरह की फिल्म है लग्न पत्री का, किस तरह की फिल्म है, फिल्म के बारे में पारिवारिक है क्या है इसमें थोड़ा बताइए, पारिवारिक फिल्म है, परिवार के अंदर जो आज कल कि आप एक परिवार के अंदर क्या 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 रहता है, वो ऐसी फिल्म बनाई मैंने बात किया था जो रिसेंटली एक साथ सब लोगों के साथ फैमिली के साथ देखने के लिए बनाएंगे, साथ उसकी फिल्म बनाएंगे जो सब लोग घर पर बैठे तो इस फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई है सर, इसकी शूटिंग हमने अभी पटरौना खुशीनगर, तो बॉलीवुड जाने बॉलीवुड में कुछ अलग मैम को लेके बॉलीवुड में आने के लिए करने वाले हैं सर, 2-3 फिल्में और हैं, बॉलीवुड का करेंगे भी तो शायद हम लोगों को ना बताएं, मैंने कहा पलक जी को लेकिन गाने की पॉपुलर म्यूजिक की बात के बारे में गाने के बारे में
जैसे एक भोजपुरी हो गया, भोजपुरी के बाद हिंदी हो गया, थोड़ा से पंजाबी हो गया, पंजाबी हो गया, उसके बाद हरियाणवी हो गया, अलग सेगमेंट के हिसाब से हमने बात कर रहे हैं और उस तरह से हम लोग अभी फिल्म इंडस्ट्री में मैं इसी को पहनता हूँ और मेरी दुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरा राज चौगुनाए करें, बहुत बड़ी हीरोइन बने, इससे हम लोगों को भी डेट लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा। ये मेरा विश है और इस तरह मेरी एक फिल्म की है मनमा छठी मैया, दो फिल्में और हैं प्रमोद सर उसमें ये कास्ट किए हैं, वो कर रहे हैं सर जी हैं, इनका हाथ हम सब लोगों के सर पर है, कुछ करें और इनके लिए भी शुभकामना है। इस कंपनी को शुरू किया है तो जिसके मॉडल है इतनी तरक्की करें, गाय को बजे लाखों में जाए, करोड़ों में जाए, सही भी सही। थैंक यू सर।